टाइम्स नाउ रिपोर्टर प्रदीप दत्ता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यूक्रेन के कुरुशीवो से एक खास रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है हमारी, नजर डालिए। एक और हॉरिबल रात यहाँ पे लोगों के लिए यूक्रेन में रही है। लगातार हमने देखा है कि रशिया की तरफ से हमले होते जा रहे हैं। कीव पे कब्जा करने के लिए रशिया की पूरी कोशिश जारी। पूरी रात वहां मिसाइल चलते रहे, बम्बार्डमेंट होती रही और लोग अपने बेसमेंट में छुपे रहे और लाखों की तादाद में ऑलरेडी लोग वहां से प्लान कर चुके हैं, सिफर इलाके की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय इंडियन एम्बेसी से वॉलंटियर हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं भारतीय नागरिकों को, क्योंकि जो बॉर्डर से क्रॉस करके यूक्रेन से पोलैंड की तरफ जाए उन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी मुश्किल हो रही है सूरज? स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बट इंडियन एम्बेसी पूरी कोशिश कर रही है कि उनके एक्सपीरियंसेस को जितना स्मूथ किया जा सके उतना किया जाए। अभी यूक्रेनियन साइड पे हमारी एंट्री इतनी नहीं है, बट टूवर्ड्स द पोलिश साइड हम लोग बहुत ही पूरी मतलब रात, इट्स लाइक 2 AM नाउ, सो वी आर हेयर। अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड लाइक एनी मिनट नाउ। दे हैव क्रॉस द पोलिश इमिग्रेशन, सो दे आर जस्ट अराइविंग हेयर एंड 200 meters फ्रॉम हेयर वी हैव अ बस विच हैज 20-30 स्टूडेंट्स राइट नाउ। देखिए 200 मीटर की दूरी पर एक बस है, हाथ में तिरंगा लिए, जज्बा जुनून लिए अपने भारतीयों को मदद करने के लिए यहाँ पे ये खड़े हैं। इस समय देखिए 3:30 बजे हैं सुबह के 3:30 बजे और देखिए किस तरीके से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोई स्टूडेंट वहाँ से आएगा उन्हें सेफर जगह पे लिया जाएगा, उन्हें होटल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस ठंड में रात बितानी पड़ी है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को 24 घंटे पहले एक मीटिंग करनी पड़ी। मीटिंग के दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि 4 मंत्री जो हैं डिफरेंट इलाकों में जाएंगे। इस समय वीके सिंह यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो वारसा में हैं, वो भी बॉर्डर एरिया पर आएंगे, फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोग अपने घरों को जा सकें। लेकिन यही कह सकता हूँ ये इस समय मैं यूक्रेन से कि सिचुएशन बहुत ही गंभीर बनी हुई है, टेंस है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रशिया ने ठान लिया है कि वो इस इलाके पर कब्जा करेंगे। और दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से जो रेजिस्टेंस मिल रही है उसके साथ साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह दिन बीतते जा रहे हैं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं और बाकी लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। योगेश भरद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ के लिए फ्रॉम यूक्रेन। तो वॉर जोन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रदीप दत्ता ने भेजी है खास आप लोगों के लिए, ताकि ग्राउंड जीरो आप सेंस कर सकें कि वहां पर इस समय कैसे हालात बने हुए हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आज इस युद्ध का 7वां दिन है और लगातार रशिया की तरफ से हमले हो रहे हैं यूक्रेन पर। रशिया अब कीव पर कब्जा करना चाहता है। आज वार्ता होनी है, वार्ता पर नजर टिकी है। आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है, अगर वार्ता में कुछ सकारात्मक निकल आया तब।